हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ज्योतिरंजन सेनापति। मैं आपको वेलकम करता हूं कहां पे? बानिक स्मार्ट क्लास में, एक न्यू सेशन में। आज का जो सेशन है वो किसके ऊपर है? एग्जैक्टली क्लॉक के ऊपर है। अतः देखिए, क्लॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी लेवल, एनी एग्जाम ले चलिए एसएससी में आते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए। उसमें भी बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए वो टाइप ऑफ क्वेश्चन को, लेकिन आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक स्पेशल ट्रिक या एक यूनिक ट्रिक या एक यूनिक कंसेप्ट भी आप उसको बोल सकते हैं। उसके थ्रू आप विद इन 5 to 6 सेकंड में आपका एक क्लॉक का आंसर बा एक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं देखता हूं कि हम लोग जो यहाँ पे आज है वो किसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्लॉक के ऊपर। आप ये सारे चीज देखे होंगे क्लॉक में, क्या क्या चीज देखे होंगे, ओवरलैपिंग या कोइंसाइड आप लोग देखे होंगे, साइमल्टेनियसली 180 डिग्री या ऑपोजिट देखे होंगे या राइट एंगल करके देखे होंगे। क्लियर? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में कितने बार आपका 180 डिग्री होगा, कितने बार आपका 90 डिग्री होगा, कितना बार आपका कोइंसाइड होगा या ओवरलैपिंग होगा भी बोल सकता है, या जीरो डिग्री भी बोल सकता है, या ऑपोजिट भी बोल सकता है, या राइट एंगल भी बोल सकता है, या 12 घंटे में कितने बार होगा, ये वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर? या स्ट्रेट लाइन कितने मतलब बार होगा एक दिन में, या 12 घंटे में कितना बार होगा स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? और ये भी पूछ सकता है कि यार ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है 4 to 5 में, आपको 4 to 5 में कि कहां पे एग्जैक्ट कौन से टाइम में आपका कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड या ओवरलैपिंग होगा या जीरो डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या ऑपोजिट में रहेगा या 90 डिग्री रहेगा या राइट एंगल रहेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 4 to 5 है या मे बी 6 to 7 भी हो सकता है, कुछ भी और टाइम दे सकता है उसके अंदर पूछ सकता है कि ये तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग बेसिकली देखते होंगे एसएससी लेवल ऑफ एग्जाम में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं या प्रोसेस इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं जो लेके आया हूँ एक यूनिक ट्रिक है। उसमें से मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 5 to 6 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने बोला कि एक दिन में कोइंसाइड कितने टाइम होता है और 180 डिग्री कितने टाइम होता है या 90 डिग्री कितने टाइम होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो यूनिक है। इसमें यूनिक है, हम लोग उसके ऊपर चलेंगे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं 0 डिग्री बा ओवरलैपिंग कोइंसाइड में क्या क्या रूल्स है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या होता है, एक आवर में एक ही बार होता है, तो 12 घंटे में या 12 आवर में कितना बार होना चाहिए, तो 12 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन 11 टाइम्स होता है क्योंकि एक टाइम माइनस हो जाता है। कहां पे माइनस होता है? यहां पे माइनस हो जाता है। 11 से लेकर 12 और 12 से लेकर 1 के बीच में टोटल आवर कितना है, यहाँ पे 2 आवर है, लेकिन यहाँ पे एक बार ही होता है। हम लोग को क्या पता है एक घंटे में एक बार होता है, तो 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, नहीं यहाँ पे 2 बार नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही होता है, तो वहां पे 1 आवर माइनस हो जाता है। तो 12 घंटे में कितना बार आ गया, तो 11 बार आ गया, तो 24 आवर में कितना आ जाएगा, 22 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो थीटा करके लिखा हुआ है, थीटा हमेशा क्या होता है, 0 करके होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिगर आपका रिप्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, तो इन दोनों के ऊपर जो फोकस है या जो डिग्री जो है वो कितना आ जाएगा, 0 करके आ जाएगा। तो ये किसके लिए जरूरत है, ये हम लोग के फॉर्मूला के लिए जरूरत है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों है आज कि फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, हम लोग एक यूनिक मेथड में चलेंगे जहां पे कोई भी फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा, फॉर्मूला को भी हाथ भी नहीं लगाएंगे हम लोग, फिर भी हम लोग 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्लियर? तो इसलिए इसका जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं बिकॉज ऑफ जानने के लिए। चलिए तो टाइम कितना आता है इन दोनों के बीच में, 0 होता है क्योंकि एक के ऊपर एक रहता है, तो टाइम 0 होता है। तो उसी के पैटर्न में 180 में चलिए देखते हैं। तो 180 में क्या होता है, देखिए एक घंटे में एक बार होता है, तो 12 घंटे में कितना बार होना चाहिए था, 12 बार होना चाहिए था, लेकिन कितना बार होता है, 11 बार होता है। कहां पे माइनस होता है, यहाँ पे 5 to 6 और 6 to 7 पे एक घंटा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 घंटे में कितना बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही बार होता है। क्लियर? तो 24 आवर में कितना आ जाएगा आपका, 22 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा जो है 180 करके रहता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सुई का जो फिगर है कुछ इस तरह से रहेगा, ये चलिए मिनट एंड करके, ये चलिए आवर एंड करके। क्लियर? या एक छोटा एक बड़ा है, तो इसको चलिए मिनट एंड करके, इसको ले चलिए आवर एंड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों के बीच में देखिए
जो एंगल जो है कितना का एंगल क्रिएट हो रहा है, 180 का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, 30 मिनट्स लग रहा है। 30 मिनट्स, देखिए 30 मिनट्स लगेगा इन दोनों के बीच में, क्लियर। देन उसी के हिसाब से चलिए चलते हैं कहां पे, 90 पे चलते हैं। 90 में एक आवर में दो बार होता है, तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए, लेकिन वहां पे कितना होता है, 22 बार होना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिमिलरली चार बार के जगह में वहां पे हमेशा क्या क्या आता है, तीन तीन बार आता है। यहाँ पे भी तीन बार आता है, यहाँ पे तीन बार आता है, तो एक एक बार माइनस हो जाता है। क्योंकि देखिए 2 to 3, 3 to 4 टोटल कितना आवर है, 2 आवर का डिफरेंस है। तो वहां पे एक आवर में अगर दो बार आता है तो चार घंटे में, सॉरी दो घंटे में कितना बार आना चाहिए आपको, चार बार आना चाहिए, लेकिन चार बार नहीं आएगा, वहां पे तीन बार आएगा। तो सिमिलरली नीचे वाला भी सेम है, चार बार के जगह में तीन बार आएगा, तो एक एक माइनस होकर कुल मिला के 2 माइनस हो गया। तो 24 से 2 माइनस हटा दीजिए तो कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। सिमिलरली 24 आवर में कितना आ जाएगा, इसका डबल कर लीजिए, 22 का डबल कितना आ जाएगा, 44 करके आ जाएगा। थीटा यहां पे कितना होता है, 90 डिग्री करके होता है। देन टाइम जो डिफरेंस है इन लोगों के बीच में कितना होता है, 15 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि एक डे में कितने बार आपका 180 डिग्री रहेगा, कितने बार आपका 0 डिग्री रहेगा, कितने बार का आपका 90 डिग्री रहेगा। बार राइट एंगल में भी पूछ सकता है, या ऑपोजिट में भी पूछ सकता है, या कोइंसाइड में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज बताया। लेकिन हम लोग का क्या बेसिक आज क्या है, बेसिक आज है हम लोग का 4 to 5, पर ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम लोग कितने जल्दी सॉल्व करते हैं। ये दोनों का जो है, आप ओवरलैप भी चलिए या ऑपोजिट चलिए, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन करके। क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछता है कि एक दिन में, वन डे चलिए क्लियर, वन डे में स्ट्रेट लाइन कितने बार होगा पूछ लेता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑपोजिट जो है वही स्ट्रेट लाइन है, ऑपोजिट जो है वही स्ट्रेट लाइन है, ये आवर एंड ये मिनट है, यही स्ट्रेट लाइन है करके बच्चे सोच लेते हैं। तो बच्चे एक दिन में कितना मार के आते हैं, एक दिन का कितना आवर होता है, 24 आवर होता है, तो बच्चे 22 मार के आते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहां पर भी आवर हैंड और मिनट हैंड का जो है ये भी स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक रहता है, यहाँ पे ऑपोजिट करके रहता है, इसीलिए तो यहाँ पे डिफरेंट भी नाम दिया गया है, ऑपोजिट करके लिखा गया है, यहाँ पे कोइंसाइड या ओवरलैप करके भी लिखा गया है। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है दोनों स्ट्रेट लाइन में है भाई, कौन कौन है, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन में है, 180 डिग्री भी आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि एक दिन में स्ट्रेट लाइन कितने बार होंगे, तो इसका एडिशन मतलब 24 का और इसका मतलब कि कुल मिला के कितना हो गया, 24 आवर में 22 टाइम्स, यहाँ पे 24 आवर में 22 टाइम्स, तो कुल मिला के कितना बार हो गया आपका, कुल मिला के आपका आ गया 44 टाइम्स आएंगे एक दिन में। समझ में आया, कितना आएगा, 44 टाइम्स आएगा एक दिन में, क्लियर। ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है या इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग का बेसिक जो है, या आज हम लोग किसके लिए है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोग उसमें चलते हैं अब, क्लियर। समझ में आया मेरा बात, तो चलिए उसमें चलते हैं। कौन से टाइम में आपके पास नहीं होता है, मैंने बोला था कि 11 to 12 और 12 to 1 के बीच में आपका एक बार माइनस हो जाता है। मैंने बताया था प्रीवियस कंसेप्ट में कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 2 घंटे में दो बार होना चाहिए, लेकिन वो एक बार होगा। तो मैं यहीं पे प्रूव कर लेता हूं, देखिए कैसे शॉर्टकट में प्रूव करूंगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक की चाहिए, इसलिए हम लोगों को एक की चाहिए, जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60/11। ये हर जगह में आपका यूज होगा, जब भी हम लोग चलेंगे कोइंसाइड ओवरलैपिंग या 0 डिग्री 180 डिग्री बा ऑपोजिट 90 डिग्री बा राइट एंगल, हर जगह में ये की यूज होगा। यही मेरा यूनिक हथियार है, आप भी वैसे बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम लोग सारा का सारा चीज जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे, क्लियर। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी फॉर्मूला हम लोगों को यूज नहीं करना पड़ेगा, बस इसी के डाल के ही सारा का सारा चीज हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर। तो चलिए पहले देख लेते हैं 11 से 12 के बीच में देख लेते हैं, फिर देखते हैं 12 से 1 के बीच में, क्लियर। तो चलिए पहले में अप्लाई करते हैं की, अप्लाई करते हैं 60/11। तो मल्टीपल ऑफ कुछ मैं करूंगा, क्या मल्टीपल करूंगा, जो मिनिमम टाइम है उसी को ही मैं मल्टीपल करूंगा। तो मिनिमम टाइम क्या है, यहाँ पे 11 है, जैसे कि 11 से 12 में मिनिमम टाइम 11 है, या जो स्टार्टिंग है उसी को हम लोग मिनिमम टाइम करके कंसीडर करेंगे। तो 11 काट दीजिए, बचा कितना 60, तो 60 बचा मतलब कितना, 11 बज के 60 मिनट। तो एग्जैक्टली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली हम लोग इसको बोल सकते हैं 12, मतलब 11 से
12 के बीच में वो लोग 0 डिग्री करेंगे एग्जाम जाके 12 में, क्लियर। तो 11 से 12 के बीच में कभी भी नहीं करेंगे, एग्जाम जाके 12 में ही वो लोग करेंगे, क्लियर। उसके बीच में कभी नहीं कर सकते, क्लियर, ये बात समझ में आएगा। तो 12 हम लोग का निकल गया, तो यहां पे एक बार निकल गया, तो यहां पे देखते हैं 12 से 1 के बीच में होता है या नहीं होता है। सिमिलरली यहां पे चलिए 60/11 कीजिए, मल्टीपल ऑफ 12 कीजिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 720/11 आ जाएगा, 720/11 आ जाएगा। इसको अगर मैं काटता हूं, इसको अगर मैं काटता हूं तो क्या आ जाएगा, 65/5/11 आ जाएगा। दैट मीन्स 1:00 ये कितना आ गया, 12:00 65 minutes 5/11 आ गया। तो इसको अगर ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा, 1:05:1 5/11 आ रहा है हमका। तो दैट मीन्स 12 और 1 के बीच में नहीं होगा, 1 के बाद जाके होगा। तो देखिए यहां पे एक बार निकला, यहां पे कभी भी नहीं निकला। तो दैट मीन्स तो ये जो 2 घंटा था, ये 2 घंटे में, एक ही घंटे में हम लोग का निकला सिर्फ 11 से 12 के अंदर एक बार निकला। वो कब निकला, जाके 12 बजे निकला, उसके अंदर भी नहीं निकला। दैट मीन्स हो गया मेरा प्रूफ, मैंने कर लिया। और चलते हैं उसी के बेसिस के ऊपर, डिफरेंट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। मैंने ले लिया 5 to 6, 5 to 6 में क्वेश्चन पूछता है, 5 to 6 में कब वो कोइंसाइड होंगे या ओवरलैप या 0 डिग्री होंगे। तो मैंने क्या बोला था, 60/11 मल्टीपल ऑफ मिनिमम टाइम 5। देखिए कितना जल्दी सॉल्व होगा, 300/11 कीजिए, तो 11 के साथ काटिए, दैट मीन्स 5:27 3/11 में ये लोग में कोइंसाइड कर जाएंगे, क्लियर। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, कितना टाइम हम लोग लग रहा है, बहुत ही कम टाइम में हम लोग सॉल्व करें, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या लीजिए, 8 to 9 लेके चलिए। 8 to 9 अगर ले गया, 60/11 मल्टीपल ऑफ 8 कीजिए, 840/11 इसको काटिए, इसको काटने से कितना आ जाएगा, ये 4 में कटा, बचा कितना देखिए 40, ये 3 में काटिए, 7/11 कीजिए, अब 7/11 कीजिए, तो दैट मीन्स 8:43 7/11 में ये लोग अगेन कोइंसाइड कर रहे हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। मेरा की क्या है, ये की है, उसी के बेसिस में हम सारा का सारा चीज सॉल्व कर लेंगे, क्लियर कंफर्म। चलिए देखते हैं, अब कोइंसाइड आपको मैंने बता दिया, कोई भी नंबर कोई भी टाइम में पूछिए आप लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, 60/11 करना है, जो मिनिमम टाइम है उसी को मल्टीप्लाई बस करना है, बात खत्म और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला में जाएंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है, लेकिन ये मेथड में मैंने दिखा दिया कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, क्लियर। चलिए अब चलते हैं कहां पे, चलिए 180 में देख लेते हैं। तो 180 में सेम हम लोग यूज करेंगे, 60/11 ही यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि 5 to 6 और 6 to 7 में ये दो घंटे में एक बार दिखाएगा, या 2 बार में 1 घंटा ही आएगा। कब आएगा, क्या आएगा, वो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं यहीं पे, जैसे कि प्रीवियस वाले में रिप्रेजेंट किए थे, क्लियर। तो प्रीवियस वाले में भी हम लोग क्या 2 घंटे में एक बार माइनस करके 1 ही लाए थे, तो यहां पे भी मैंने बोला था 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 12 घंटे में 12 के जगह 11 बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसलिए होगा। तो 5 to 6 और 6 to 7 में कब ये 2 घंटे में वो लोग ऑपोजिट करेंगे, ये हम लोग को निकालना है। अगर निकाल दिया तो बात खत्म हो गया। तो चलिए यहाँ पे भी सेम ही यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम ही यूज करेंगे क्या, और की जो है 60/11, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। प्रीवियस बार में क्या किए थे हम लोग, प्रीवियस बार में हम लोग मिनिमम जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई किए थे। चलिए 5 to 6 ले चलते हैं और 6 to 7 ले चले, तो मिनिमम टाइम में हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम टाइम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक बेस मेथड लेके आएंगे, क्लियर। यहाँ पे क्या लेके आएंगे, यहाँ पे एक बेस मेथड लेके आएंगे। आप लोग ये जो प्रोसेस है या ये जो टेक्निक है, आप उसको बेस टेक्निक भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो बेस क्या है मेरा, 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस आएगा। मैंने क्या बोला, मिनिमम टाइम मेरा क्या है, मिनिमम टाइम मेरा 5 है। मेरा बेस क्या है, बेस मेरा 6 है। तो 6 to 5 तक मुझे क्लॉकवाइज काउंट करना है, 6 to 5 तक मुझे क्लॉकवाइज काउंट करना है। मिनिमम टाइम रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग एक बेस ले रहे हैं। तो क्या किए थे, प्रीवियस बार में बेस नहीं लिए थे, लेकिन यहां पे हम लोग एक बेस ले रहे हैं। क्या करके, बेस 6 करके ले रहे हैं। तो बेस 6 से हम लोग काउंट करके आएंगे मिनिमम 5 तक। तो कितना बचा हम लोग का, 11। क्या नंबर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हुआ, 11 टाइम्स हुआ, तो लिखिए 11, तो इसको काट दीजिए, तो बचा कितना 60। तो 5:60, तो एग्जैक्टली 6 बजे वो लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री क्रिएट करेंगे। तो अब चलिए 6 to 7 में चलते हैं। 6 to 7 में देखिए सेम 60/11 करेंगे, और मल्टीपल क्या करेंगे, मिनिमम टाइम जो है
ओ मल्टीपुल करेंगे बेस से लेके काउंट करके। तो देखिए बेस मेरा कितना है, 6 है। मिनिमम टाइम कितना है मेरा, 6 है। तो 6 से काउंट होगा, 6 में ही एंड हो जाएगा। दैट मींस कोई भी क्रिएट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 डालिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 11 डाले थे, क्यों? क्योंकि 6 से मैंने काउंट करके कहां तक आया था, 5 तक आया था, तो इसलिए 11 नंबर में काउंट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से ही काउंट हो रहा है और 6 में ही जाके एंड हो रहा है। तो दैट मींस 0 प्लस माइनस मिला के 0 आ गया। तो चलिए काट दीजिए 0 के साथ, जो भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू विल बी 0 आ जाएगा। दैट मींस 6 बज के 0 मिनट, तो यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट होगा, 6 बज के 0 मिनट। दैट मींस हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 6 करके। देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रूव किया था 6 और यहाँ भी मैंने प्रूव कर लिया 6। दैट मींस 5 टू 6 और 6 टू 7 में एक ही बार वो ऑपोजिट करेंगे 6 में, और कहीं पे ऑपोजिट नहीं कर सकते। दैट मींस 2 घंटे में एक ही बार ऑपोजिट हुआ, प्रूव हो गया मेरा। अब चलिए डिफरेंट और एग्जाम्पल ले लेते। एग्जाम्पल लेके चलिए, मैंने बोला 9 टू 10 में कब वो लोग ऑपोजिट रहेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जो है 60/11 रहेगा। बेस क्या है मेरा, बेस है 6। 6 को कहां तक काउंट करके जाऊंगा, मिनिमम टाइम 9 तक। तो कितना नंबर, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3। तो 180/11 कीजिए, तो 11 के 11 रखिए। मतलब क्या आ गया इसको काटने से, तो हम लोग बोल सकते हैं 9:16 4/11 में ये लोग अगेन ऑपोजिट करेंगे। क्लियर, समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है देखिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 to 4 में ले लेते हैं। क्लियर, 3 to 4 में अगर लेते हैं सेम 60/11 करते हैं, मिनिमम टाइम क्या है 3 है। 6 टू काउंट करके चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, 540 बाई कितना आ जाएगा 11। तो काटिए इसको 4 में, काट दिया इसको 4 में, अगर काट दिया 100 बच रहा है, तो काटिए 9 पे 1/11। तो दैट मीन 3:49 1/11 में ये लोग 180 डिग्री क्रिएट करेंगे। क्लियर, कंफर्म, समझ में आया, देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। चलिए अब चलिए 90 डिग्री में चलते हैं। 90 डिग्री में क्या है, सेम प्रोसेस है। तो क्या है, सेम कि 60/11 ही यूज करेंगे। तो मैंने वहां पे क्या बोला था, 2 to 3 और 3 to 4 में वहां पे 3 टाइम आएगा, और सिमिलरली 8 to 9 और 9 to 10 में भी 3 टाइम आएगा। तो मैं इसी को प्रूव कर लेता हूँ, बाकी ये चीज ऑटोमेटिकली आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे लेते हैं 2 से 3 लेते हैं और एक 3 से 4 लेते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग जो करेंगे, जो बेस जो है वो क्या यूज करेंगे, बेस जो है 9 यूज करेंगे और 3 यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों, और देखिए फर्स्ट में हम लोग कोई भी बेस नहीं यूज किए थे, सेकंड में हम लोग एक बेस यूज किए थे जो है 6, तो थर्ड में हम लोग 2 बेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम निकलता है, 1 आवर में 2 टाइम्स निकलता है, इसलिए 2 बेस मैंने यूज किया। बेस क्या है, मैंने यूज किया 9 और 3 के ऊपर बेस मैंने यूज किया। क्लियर, सेम मिनिमम टाइम से ही काउंट होगा। तो चलिए 2 से 3 बजे तक एक बेस 3 से लेते हैं और बेस एक 9 से लेते हैं। तो 60/11 करेंगे, यहाँ पे भी 60/11 करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम टाइम क्या है, 2 मिनिमम टाइम है। क्लियर, तो 2 से चलिए मतलब 3 से 2 तक काउंट कीजिए, 3 से 2 तक काउंट कर रहा हूं, 11 कट गया। क्लियर, यहाँ पे चलिए सेम, यहाँ पे भी कितना है, 2 बेस है, तो 9 से 2 तक चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5 करके। तो दैट मीन्स ये कट गया, हम लोग बोल सकते हैं 2:00, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं 2:60, दैट मीन्स 2:60 मतलब 3 बजे एग्जैक्टली 3 बजे एक बार वो लोग 90 डिग्री करेंगे। और कब होगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 300/11 कर रहा हूं, तो इसको काटने से 2 से काटने से कितना आ जाएगा 22, 8:07 में काटिए 3, मतलब 2:27 3/11 में होगा। देखिए 2 से 3 बजे वो बात 2 बार करके वो लोग कब क्या किए थे, 2:27 3/11 में किए थे। क्लियर, और एक बार कब किए थे, एग्जैक्टली 3 बजे एक बार किए थे। तो यहाँ पे 2 बार वो लोग कर लिए। अब देखते हैं 3 से 4 के बीच में कब वो करते हैं। क्लियर, 3 से 4 बजे जब आया तो सेम मेरा की क्या है, 60/11 लीजिए। तो देखिए 3 से शुरू होगा, तो बेस 3 के लिए लेता हूँ, यहाँ पे बेस 9 के लिए लेता हूँ। 3 से शुरू होगा, 3 से खत्म तो 0, तो यहाँ पर भी कुल मिला के सारा 0 हो गया। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो 3:00 एग्जैक्टली 3 बजे है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 बार नहीं हो सकता, एक ही बार हुआ। तो आप चलिए 9, तो 9 मतलब कहां से चलेंगे, 9 से 3 तक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो काउंट कीजिए, तो 60/11 मल्टीपल ऑफ 6, दैट मींस 360/11। तो 360/11 कर रहा हूं, इसको काटने से कितना कटेगा, यहाँ पे 3 में कटा, यहाँ पे 2 पे कटा, 7/8 में रह गया। क्लियर,
3 से 4 बजे में फिर से वो लोग 3 बजे एक बार हुआ और कब हुआ 3:32 8/11 में हुआ। तो यहाँ पे 3-3 दो बार काउंट नहीं होगा, तो एक बार काउंट कीजिए। तो ये आ गया कुल मिला के एक बार, दो बार, तीन बार मैंने प्रूव कर लिया, क्लियर। तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन में लेके आऊं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसने बोला है 4 to 5 में कब वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, पॉइंट एट द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये 180 बोल रहा है, ऑपोजिट मतलब ये 180 बोल रहा है। एट द व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड ऑफ ए वॉच पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 बोल रहा है। तो 180 का क्या होगा, 11/60, बेस कितना होगा 6 होगा बेस, तो बेस 6 से काउंट कीजिए। देखिए बेस 6 से 4 तक काउंट कीजिए, बेस 6 से अगर 4 तक काउंट करूंगा तो 6 तक आने के लिए 12 चाहिए, लेकिन यहां तक आने के लिए 10 चाहिए, क्योंकि 5 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है। तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए 10 करके, कितना जल्दी देखिए हो रहा है। तो ये बहुत इजीली काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा, देखिए मुंह मुंह में ही ये काउंट हो जाता है, क्लियर। तो 10 हो गया, तो 10 मतलब आप बोल सकते हैं 600 by 11 मतलब आप 5 बजे ले सकते हैं। तो इसको मैंने ले लिया 5 करके, तो बचा कितना यहाँ पे 5, तो लीजिए 4 by 6/11, तो आंसर निकल गया। देखिए कितना टाइम लगा हम लोगों को आंसर सॉल्व करने के लिए, 1 से 2 सेकंड लगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, एट द व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 विल द हैंड ऑफ ए वॉच टुगेदर, टुगेदर मतलब क्या बोला है, देखिए 0 degree, टुगेदर का मतलब भी 0 degree होता है। तो 60/11 मल्टीपल ऑफ मिनिमम टाइम मैंने बोला था, तो 540/11 कीजिए, 540/11 अगर मैं कर रहा हूं तो इसको काटने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले लीजिए 4 ले लीजिए, तो 44 कट गया, तो बचा कितना, ये 9 by 11 हुआ, तो 1/11 लगाइए इसको, कितना टाइम, बहुत ही कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कितना, देखिए 8 to 9 बोला है, सेम स्ट्रेट लाइन मतलब ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट बोलता तो 180 degree, अगेन भी ये 0 degree बोल रहा है। तो 60/11 मल्टीपल ऑफ मिनिमम टाइम कीजिए, 800 कितना होता है 48 होता है, तो 11/12 कीजिए, तो इसको काटिए 4 से, बचा कितना बता 40, 3 से काटिए 7/11, तो लिखिए 43 7/11, कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।